नमस्कार दोस्तों, दर्जीबा स्टूडियो में आपका स्वागत है। दुनिया के 8 अजूबों के बारे में आपने सुना तो होगा ही, खासकर जब दुनिया के 8 अजूबों की बात होती है तो आपको ताजमहल का नाम याद आता ही होगा। आखिर यह हमारे देश में जो है, लेकिन ऐसे ही अन्य 7 और अजूबे हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं दुनिया के 8 अजूबों के बारे में। पहला अजूबा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चीन में बनी एक विशाल दीवार है जिसे मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी, धातु आदि अन्य ऐसी सामग्रियों के प्रयोग से बनाया गया है। चीन के पूर्व सम्राट किंशु वांग की कल्पना के बाद दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगी। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया, बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीनी भाषा में इस दीवार को वानली छांगछम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि चीन की विशाल दीवार। दूसरा अजूबा है पेट्रा। पेट्रा को लोकप्रिय रूप से द लॉस्ट सिटी कहा जाता है। पेट्रा को यह नाम मुख्यतः उस पत्थर के रंग के कारण दिया गया है जिससे इसे तराशा गया था। शहर की कई संरचनाएं जो बलो पत्थर से बनी है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सुंदर लाल गुलाबी रंग में आ जाती है। इस प्रकार उन्हें रोज सिटी का खिताब मिला है। पेट्रा नाम पेट्रो से लिया गया है जिसका ग्रीक में अर्थ है चट्टाने। शहर को यह नाम संभवतः इसके नक्काशीदार बलो पत्थर और चट्टानी संरचनाओं के कारण दिया गया था। पेट्रा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह 1985 में विश्व धरोहर स्थल बन गया और यूनेस्को द्वारा इसे मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत की सबसे कीमती सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया। पेट्रा का प्रसिद्ध खजाना वास्तव में एक मकबरा है। पेट्रा 1000 से अधिक कब्रों का घर है। पेट्रा का 85% भाग अज्ञात है। पुरातत्व वेता अभी तक पेट्रा का केवल 15% ही खोज पाए हैं। बाकी हिस्सा काफी हद तक भूमिगत और बिना खुदाई के बना हुआ है। तीसरा अजूबा है क्राइस्ट द रिडीम। ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर अर्थात उद्धार करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति स्थित है। यह क्रॉस या सलीब के आकार की है, कंक्रीट और पत्थर की बनी है और यह 1931 में बनकर तैयार हुई थी जब लोगों से मिले दान से इसे बनाया गया। यह विश्व में ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मजबूत कंक्रीट और सोफ्टस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। चौथा अजूबा है माचू पिचू। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के खूबसूरत देश पेरू में स्थित इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। माचू पिचू समुद्री तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धातु के औजारों या पहिए के उपयोग के बिना निर्मित माचू पिचू एक प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। माचू पिचू में 150 से अधिक प्राचीन इमारतें हैं। पेरू देश भूकंप के लिए जाना जाता है, फिर भी यह स्थान अभी तक सुरक्षित है। माचू पिचू को अश्लार तकनीक द्वारा बनाया गया था जो प्राचीन काल की अद्वितीय और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग को दर्शाता है। इस तकनीक के माध्यम से यहाँ के पत्थरों को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि भूकंप आने पर वह पुनः अपने स्थान पर जम जाते थे। 7 जुलाई 2007 को माचू पिचू को विश्व के अजूबों में शामिल किया गया था। पांचवा अजूबा है चिचेन इट्ज़ा। चिचेन इट्ज़ा युकाटान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और मेक्सिको में सबसे अधिक देखने जाने वाली जगहों में से एक है। चिचेन इट्ज़ा को दुनिया के नए 8 आश्चर्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 1988 में ऐसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चिचेन इट्ज़ा शब्द का अर्थ है इट्ज़ा के कुएं का मुंह। ऐसा माना जाता है कि इट्ज़ा का अर्थ है जल जादूगर जो मायन गेट से जादू और पानी के लिए निकला है। एल कैस्टिलो प्रसिद्ध पिरामिड है जो इन चिचेन इट्ज़ा की साइट पर हावी है और यह वास्तव में एक और बहुत पुराने मंदिर पर स्थित है।
चिचेन इट्सा का डिजाइन और लेआउट स्पष्ट रूप से सुनियोजित था और बिल्डरों ने समूह में मंदिर और पिरामिडों का निर्माण किया। चिचेन इट्सा की कई जगहों में अपनी असामान्य आवाजों के लिए जानी जाती है। यदि आप बॉल कोर्ट के एक छोर से एक बार ताली बजाते हैं तो यह कोर्ट के मध्य में 9 गुंज उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त कुकुलकन पिरामिड के सामने ताली बजाने से सांप की चहचहाहट जैसी गुंज उत्पन्न होती है। छठा अजूबा है कोलोसियम। कोलोसियम या कोलिसियम इटली के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तात्कालिक शासक वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य के प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। 81 और 96 वर्षों के बीच इसमें डोमिशियन के राज में इसमें कुछ और परिवर्तन करवाए गए। इस भवन का नाम एम्फीथिएटरियम फ्लेवियम वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम का फ्लेवियस के कारण है। अंडाकार कोलोसियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। सातवां अजूबा है ताजमहल। ताजमहल को दुनिया के 8 अजूबों में से एक माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसकी लागत उस समय के लगभग 32 करोड़ रुपए थी। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो भारत के दक्षिण स्थित राजस्थान राज्य से लाया गया था। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारे हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ताजमहल को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय सफेद संगमरमर विभिन्न रंगों में चमकता है। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से को सफेद संगमरमर से सजाया गया है, जिस पर अरबी और फारसी में शिलालेख है। आठवां अजूबा है अंगरकोट वाट। अंगरकोट वाट यह एक मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर इतना खास है कि कंबोडिया राष्ट्र का यह राष्ट्रीय प्रतीक है। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इस मंदिर को अंकित किया गया है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इंडोनेशिया के निवासी इस मंदिर को पानी में डूबा हुआ मंदिर का बगीचा भी कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग देखने को मिल जाएंगे। अप्सराओं के नृत्य मुद्रा कलाकृति और असुर और देवताओं के मध्य हुए समुद्र मंथन के दृश्य को भी यहाँ दीवारों पर अंकित किया गया है। कहा जाता है कि खुद भगवान इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। अंगरकोट वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि इसका समापन धरणेन्द्र वर्मन के शासक काल में हुआ था। इस मंदिर के चारों तरफ एक विशाल खाई है। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।